बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑफ चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 में हमने फ्लूइड डायनामिक्स के बारे में पढ़ा था, और फ्लूइड डायनामिक्स में जो सबसे अहम चीज़ हमने पढ़ी थी वो थी बर्नौलीज इक्वेशन। लिखी हुई है ना आप लोगों ने? ओके yes, अब बर्नौलीज इक्वेशन की बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके अलावा हमने एक और पढ़ी थी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, उसकी बेस पे कुछ न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल है जी, सर्टेन ग्लोबुलर प्रोटीन पार्टिकल हैज डेंसिटी ऑफ 1246 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। डेंसिटी ऑफ पार्टिकल, हम अगर इसको रो से डिनोट कर देते हैं, डेंसिटी वो है 1246 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इट फॉल्स थ्रू प्योर वाटर। अब एक प्रोटीन पार्टिकल है जो वाटर के अंदर गिर रहा है, प्योर वाटर के अंदर, जिसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है 8.0 इंटू 10⁻⁴ किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड विद अ टर्मिनल स्पीड ऑफ 3 सेंटीमीटर पर आवर। टर्मिनल स्पीड गिवन है 3 सेंटीमीटर पर आवर, 3 सेंटीमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकेंड में बदलना होगा हमें। फाइंड द रेडियस ऑफ द पार्टिकल। रेडियस ऑफ द पार्टिकल हमने मालूम करना है। तो इसको हल करने के लिए हमारे पास जो पहले जो बात यह है कि SI यूनिट्स में हमने कन्वर्ट करना है ना, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 3 सेंटीमीटर पर आवर को 3.0, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना हो, 10⁻², कर दिया करें सीधा सीधा, बात समझ आती है ना? और आर पर आर है ना, नीचे आर्स हैं, उसको सेकंड में बदलना है, तो 3600 से डिवाइड कर दे, जो भी आंसर आए आप लिख लीजिएगा। अब टर्मिनल वेलोसिटी गिवन है, रेडियस मालूम करना है। टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हमने पढ़ा था, क्या था? 2 कौन सी टर्मिनल वेलोसिटी? ये हमारे पास वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है जिसको हम फाइनल वेलोसिटी के सेंस में कहेंगे, जब बॉडी नीचे की तरफ आ रहा होता है उस वक्त जब ग्रेविटी की फोर्स और ड्रैग फोर्स आपस में बराबर हो जाती है, तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो जाती है, दैट इज कॉल्ड द टर्मिनल वेलोसिटी। तो उसका फार्मूला हमने निकाला था 2ρg/9ηr². यही फार्मूला कैलकुलेट किया था। अब गौर करें कि VT की वैल्यू दी हुई है, रो की वैल्यू दी हुई है, जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ईटा की वैल्यू गिवन है, आर की वैल्यू अननोन है। तो कैसे करेंगे? आर स्क्वायर इधर रख लें तो 9ηr ऊपर आ जाएगा, VT डिवाइडेड बाई 2ρg, और अगर मैंने आर निकालना हो तो ये स्क्वायर को ख़त्म करूं जी बेटे, वैल्यूज पुट करेंगे कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे, लेकिन कोशिश किया करें कि कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हुए या तो पावर किस तरह उसमें फीड करते हैं वो सीख लें, या फिर उसको मैनुअल कर लिया करें ताकि कन्फ्यूजन ना हो, अदरवाइज़ आप ज़रब और तकसीम करते हुए ना पावर में गड़बड़ कर जाते हैं। तो ये जहन में रखना है कि अगर नीचे पावर आ रही है तो उसको ऊपर कैसे लेके जाना है, ऊपर अगर पावर है तो नीचे कैसे लेके आना है। समझ आ गई? मुश्किल काम तो नहीं? ये था प्रॉब्लम 6.1। ओके जी, प्रॉब्लम 6.2 की तरफ चलते हैं जी। मेरे पास ये था नंबर 2 है जी। वाटर फ्लोज थ्रू ए होज। एक पाइप से पानी गुजर रहा है, फ्लो कर रहा है, हुज इंटरनल डायमीटर इज 1 सेंटीमीटर एट अ स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड।
जबकि उसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड हो और उसका जो इंटरनल डायमीटर है वो 1 सेंटीमीटर है. व्हाट शुड बी द डायमीटर ऑफ द नोजल इफ द वाटर इज टू इमर्ज एट 21 मीटर पर सेकेंड. अगर पानी ने नोजल में से 21 मीटर पर सेकंड से गुजरना हो तो उसका डायमीटर नोजल का क्या होना चाहिए. मतलब ये कि ये हमारे पास एक पाइप है, इसके आगे हमने एक नोजल लगाई हुई है, इस नोजल का डायमीटर कितना होना चाहिए कि पानी जब इसमें से निकले तो 21 मीटर आप इसको V2 कह लेते हैं. यहां पे जो वाटर की स्पीड है वो V1 है, वो क्या है 1 मीटर पर सेकंड, यही है ना. अब इसका जो डायमीटर दिया हुआ है, इस तरफ अगर आप देखें D1 है वो, इसको मैं D1 कह देता हूं, इसको D2 कह देता हूं, ये है 1 सेंटीमीटर. अब 1 सेंटीमीटर को आप मीटर में बदलेंगे, क्या क्या करेंगे. वेरी गुड. तो आपने 1 ضرب 10^-2 मीटर लिख देना है. अब D2 क्या होगा ये हमने मालूम करना है. V1 की वैल्यू, V2 की वैल्यू, D1 की वैल्यू गिवन है, D2 हमने मालूम करना है. अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में एरिया आता है, AV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, फ्लो रेट कॉन्स्टेंट होती है ना. A क्या होता है, एरिया. अगर डायमीटर गिवन हो तो एरिया कैलकुलेट किया जा सकता है. एरिया ऑफ ए सर्कुलर है ना, ये हूज है ना पाइप, इसका एरिया कैलकुलेट करना हो अगर तो पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है. अब पाई आर स्क्वायर की बजाय मैं अगर इस तरह कर लूँ, पहले मैं इक्वेशन बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2. अब A1 की जगह पे मैं लिख दूं पाई D1 स्क्वायर ओवर 4. पाई आर स्क्वायर होता है वैसे, पाई आर स्क्वायर होता है ना. पाई आर स्क्वायर की जगह पे मैं पाई D1 ओवर 2 लिख दूं तो वो D1 ओवर 2 का स्क्वायर लेंगे तो D1, क्योंकि R बराबर D ओवर 2 होता है ना, डायमीटर का हाफ होता है, तो D1 स्क्वायर ओवर 4 हो जाएगा. इंटू V1 इज इक्वल टू पाई D2 स्क्वायर ओवर 4 इंटू V2. अब देखें पाई से पाई कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, बाकी जो एक्सप्रेशन बचा हमारे पास D1 स्क्वायर V1 इज इक्वल टू D2 स्क्वायर V2. यहाँ से हमें क्या मालूम करना था, D2 स्क्वायर बराबर आ जाएगा D1 स्क्वायर V1 डिवाइडेड बाई V2. तो D2 किसके बराबर आ जाएगा, D1 स्क्वायर V1 ओवर V2 होल स्क्वायर. कौन सा ये R, R बराबर होता है D/2, ठीक है. तो जब आप लिखते हैं ना एरिया ऑफ ए सर्कल या सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया, तो उसको हम कहते हैं पाई आर स्क्वायर. तो पाई आर स्क्वायर की जगह पे लिखेंगे D/4, तो वो बेसिकली एरिया का फार्मूला बन गया हमारे पास. पहले हम आर निकालें, उसके बाद फिर हम उसको 2 से मतलब, क्योंकि निकालना ही हमने डायमीटर था तो ये तो कैंसिल हो ही जाने थे, तो इसलिए हमने इस तरीके से कर दिया. यहाँ तक समझ आ गई. अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा, हो जाएगा. नंबर 4, वाटर इज फ्लोइंग स्मूथली थ्रू ए क्लोज पाइप सिस्टम. आप लोगों ने पढ़ना है, चलो जी कौन पढ़ेगा, चलो असद आप ही पढ़ो. वाटर इज फ्लोइंग स्मूथली थ्रू अ क्लोज पाइप सिस्टम. एट वन पॉइंट द स्पीड ऑफ वाटर इज 3.0 मीटर पर सेकेंड, वाइल एट अनदर पॉइंट 3.0 मीटर हायर द स्पीड इज 4.0 मीटर पर सेकेंड एंड द प्रेशर इज 80 kPa एट द लोअर पॉइंट. व्हाट इज प्रेशर एट द अपर पॉइंट. अच्छा, पाइप सिस्टम कुछ इस तरह का है हमारे पास.
उसने कहा ये है कि इस पाइप की हाइट इससे 3 मीटर, 3 मीटर हायर है, और यहां पर इसकी स्पीड कितनी है? हाँ, हायर एंड पर 4, नहीं, हायर एंड पर V2 को हम 4 मीटर पर सेकंड ले लेते हैं, V1 को 3 मीटर पर सेकंड ले लेते हैं, और ये दिया हुआ है H2 माइनस H1 3 मीटर है, राइट जी? प्रेशर भी दिया हुआ है, प्रेशर एट लोअर एंड दिया हुआ है, हाँ जी। तो P1 कितना है? 80 किलो पास्कल। अपर एंड पर प्रेशर हमने मालूम करना है। अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन क्या है जी हमारे पास? P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। इस सारी इक्वेशन में देख लें, अगर हमारे पास तकरीबन सारी वैल्यूज गिवन है, सिर्फ हमें मैनुपलेट करना है, उसको इस तरह एडजस्ट करना है कि इसके मुताबिक H2 माइनस H1 वगैरह की कीमतें आ जाए। अब P1 की वैल्यू गिवन है, इसको हमें P2 मालूम करना है। P2 बराबर आ जाएगा P1, ये इधर रहने दिया, प्लस 1/2 रो, ये इसमें से ये इधर आके माइनस होगा ना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1/2 रो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर हो जाएगा। समझ आई मैंने क्या किया? दोनों में से 1/2 रो कॉमन ले लिया, उसके बाद रो जी कॉमन है, यहाँ पर H1 माइनस H2 आएगा, लेकिन यहाँ पे H2 माइनस H1 है हमारे पास, इसमें क्या आ रहा है? H1 माइनस H2, क्या करें? क्या ख्याल है? सही नहीं हो जाता? क्या फ़ायदा होगा इसका कि आप P1 की वैल्यू 80 किलो पास्कल यानी 80 × 10³ लिखेंगे, 1/2 रो डेंसिटी ऑफ वाटर की बात हो रही है, वो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, V1 की वैल्यू गिवन है कितनी है? 3, 4, ये भी जब हल करेंगे तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव साइन आ जाएगा साथ, और ये हमारे पास रो जी, यहाँ पे डायरेक्ट आप 3 पुट कर देंगे। बाज़ औक़ात हम इसको इस तरह भी कर लेते हैं कि आप H1 को 0 ले लेते हैं, H2 को 3 ले लेते हैं, फिर भी आप इसको हल करेंगे तो ऐसे ही हल हो जाएगा, मुश्किल नहीं होगी, लेकिन चूंकि हमें डायरेक्ट दिया हुआ उन्होंने H2 माइनस H1, इसलिए हमने इस तरीके से कर लेंगे, तब भी कोई हर्ज नहीं है। तो इससे आपको P2 की वैल्यू मिल जाएगी, ये भी नेगेटिव में आ जाएगा, ये भी नेगेटिव में आ जाएगा, इसमें से माइनस होगा तो जवाब आ जाएगा, तो यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी। वेयर द स्पीड इज़ हाई द प्रेशर विल बी लो। अब गौर करें, यहाँ पे स्पीड अगर 4 मीटर पर सेकंड है ना, तो प्रेशर इससे कम ही आएगा ना, तो ये माइनस होने के बाद ऑटोमेटिकली कम ही हो जाएगा। समझ आ गई ना? ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको पहले से पता हो जानी चाहिए कि जवाब कितना आना चाहिए। उसके बाद कौन सा है जी? 6.5 है जी। An airplane wing is designed so that the speed of the air across the top of wing is 450 meter per second. The speed of air below the wing is 410 meter per second. What is the pressure difference between the top and bottom of wing? Density of air is given. Two speeds given. ये हल कर लेंगे ना यहाँ से। मैं इसको यहीं पे क्लोज करता हूँ। प्रॉब्लम है जी 6.5। डिज़ाइन ऑफ एयरप्लेन विंग कुछ इस तरह का है। यहाँ पे V2 की वैल्यू है 4
50 वी वन, हाँ क्या सही नहीं है सर? वी टू कहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा है उन्होंने? लिखा है एन एयरप्लेन विंग इज डिजाइन सो दैट द स्पीड ऑफ द एयर अक्रॉस द टॉप ऑफ विंग इज, यानी जो इसके ऊपर होगा, ये तो आपकी अपनी मर्जी ना, जिसका नाम जो भी रख दे, जो ऊपर वाली जगह है वहाँ पे स्पीड 450 है, नीचे वाली को हमने 410 कहा, मैंने इसको वन वाली साइड ले लिया, इसको टू वाली साइड, जैसे मैं इसको भी चेंज कर देता फ़र्क नहीं पड़ना था, कॉन्स्टेंट ही रहना है ना। तो अब ये हमारे पास कुछ इस तरह, अब व्हाट इज़ द प्रेशर डिफरेंस, अगर हम एज्यूम कर लें कि ये 10,000 मीटर की बुलंदी पे जहाज़ उड़ रहा है और इसकी अपनी जो थिकनेस है वो 1 मीटर है, तो नीचे H1 10,000 मीटर होगा, H2 क्या होगा, 10,000 एक मीटर, तो क्या फ़र्क पड़ता है, उसको भी 10,000 ही ले लें, यानी H1 इज नियरली इक्वल टू H2, तो इसका मतलब H1 माइनस H2 जहाँ या H2 माइनस H1 आएगा वो ज़ीरो हो जाएगा। दूसरे लफ्जों में यही इक्वेशन जो हमने यहाँ पे यूज़ की है वो अगर हम यूज़ करेंगे तो इस टर्म को इसके साथ कैंसिल आउट कर देंगे, जब तकरीबन बराबर हो गए कैंसिल आउट हो गए ना, प्रेशर डिफरेंस हमने मालूम करना है। तो दूसरे लफ्जों में P1 माइनस P2 हमने मालूम करना है, तो अब इसी इक्वेशन से मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो P1 माइनस P2 की अगर मैं बात करूँ, इसको इधर ले जाएँ और ये दूसरी तरफ ले जाएँ, 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर नहीं हो जाएगा, 1/2 रो V2 स्क्वायर, ये वाला ये दूसरी तरफ गया माइनस V1 स्क्वायर, तो इससे ये हुआ कि हमारे पास V2 की वैल्यू 450 गिवन है, V1 की वैल्यू 410 गिवन है, इसको रो के साथ डेंसिटी ऑफ एयर गिवन है, रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो P1 माइनस P2 की वैल्यू हासिल हो जाएगी, हो जाएगा। ये जो मैं छोड़ रहा हूँ ना, ये मैंने कंप्लीट किए हुए देखने भी हैं, हाँ जी ऐसे नहीं छोड़ देने आप लोगों ने भी, पेपर में भी अगर आप लोग छोड़ देंगे तो वो नंबर लगाना भूल जाएगा, वो भी छोड़ देगा। नेक्स्ट कौन सा है जी? 6.7। ओके जी, हाउ लार्ज मस्ट ए हीटिंग डक्ट बी इफ एयर मूविंग, ओके जी, जी बेटा कोई कन्फ्यूजन है, सुन लें फिर, 6.7 है जी, हाउ लार्ज मस्ट अ हीटिंग डक्ट बी इफ एयर मूविंग 3 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग इट कैन रिप्लेनिश द एयर इन अ रूम ऑफ 300 मीटर क्यूब वॉल्यूम एवरी 15 मिनट, एज्यूम द एयर डेंसिटी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, कि अगर एयर डेंसिटी कॉन्स्टेंट रहे, प्रॉब्लम है जी 6.7, गिवन इज वी इज इक्वल, वेलोसिटी है ये, वॉल्यूम नहीं है, वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड, वॉल्यूम हमारे पास 300 क्यूबिक मीटर, इन एवरी मिनट कितने हैं जी 15 मिनट, हर 15 मिनट में, ये फर्ज करेंगे हमारे पास रूम हुआ और इस रूम में एक हीटिंग डक्ट लगी हुई है, यानी एक पाइप ऐसा रखा हुआ है जिसमें से गर्म हवा यहाँ से रिप्लेनिश हो रही है, उसकी जगह रिप्लेस कर रही है, और हर 15 मिनट में 300 क्यूबिक मीटर हवा यहाँ पे रिप्लेस हो रही है बताना, और ये हवा 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से निकल रही है, तो वो डक्ट का साइज़ क्या होगा, यानी उसका रेडियस कितना होगा, वो हमने मालूम करना है। हम जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के मुताबिक फ्लो रेट कांस्टेंट रहता है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास फ्लो रेट बराबर होता है ए इंटू वी, और फ्लो रेट को हम कहते हैं वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, क्या कहते हैं, ए इंटू वी, अब वॉल्यूम हमारे पास गिवन है, टाइम गिवन है, तो मैं इसको V ओवर T
इज इक्वल टू ए की जगह पे पाई आर स्क्वेयर लिख देता हूँ इनटू वेलोसिटी लिख देता हूँ। अब गौर करें इसमें आर हमने मालूम करना था, आर ही मालूम करना है ना, वी पाई वी और टी ये सारे गिवन है। 15 मिनट को आपने 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में बदल लेना है तो यहाँ से आर निकल आएगा, कर लेंगे। हाँ जी आर स्क्वायर पहले बनेगा तो उसके बाद स्क्वायर रूट लेंगे, उसके बाद कौन सा है जी 6.9। चलें जी ये भी देख लेते हैं। व्हाट गेज प्रेशर इज रिक्वायर्ड इन द सिटी मेन फॉर अ स्टीम फ्रॉम अ फायर होज कनेक्टेड टू बी मेन टू रीच द वर्टिकल हाइट ऑफ 15 मीटर। अगर फर्ज करें कि 15 मीटर की बुलंदी तक हमने पानी को पहुंचाना हो तो जो पाइप के अंदर प्रेशर कितना होना चाहिए। ऐसे ही होता है ना जैसे वो एक हमने टैंक अगर लीक हो जाता तो वो ऊपर की तरफ कहाँ तक जाएगा, तो जितना प्रेशर वहाँ पे होगा उसी के मुताबिक ही ऊपर जाएगा ना। अब यहाँ पर भी यही उसने पूछा है कि 15 मीटर की हाइट तक अगर हमने पहुँचाना है तो कितना प्रेशर होना चाहिए। आपने बैरोमीटर का एक प्रिंसिपल पढ़ा होगा मैट्रिक में, वो बैरोमीटर मर्करी बैरोमीटर जो है वो एक डिश में आप उसको उल्टा करके रखते हैं तो जितना प्रेशर साइडों पे होता है उतनी उसकी कॉलम की हाइट हो जाती है। तो उसमें आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा रो जी एच, तो यहाँ पर भी आप प्रेशर का वही फार्मूला यूज़ करेंगे। पी इज इक्वल टू रो जी एच, हाइट 15 मीटर तक पहुंचाने के लिए हमें कितना प्रेशर रिक्वायर्ड होगा। अगर उससे कम प्रेशर होगा तो लाजमी तौर पर उतनी बुलंदी तक नहीं जा सकेगा, तो आप रो जी कांस्टेंट है एच से मल्टीप्लाई करेंगे 15 मीटर से तो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। समझ आ गई जी। ये था जी हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑफ चैप्टर नंबर 6। कोई कन्फ्यूजन हो तो कॉमेंट बॉक्स में जाके पूछ ले। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।